मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ हुआ करता था। उस समय ठाकुर जगदेव चंद जी के टाइम में युवा मोर्चा में आ गया था और 1980 में मैं सेना में चला गया। सेना में जाने के बाद मैं 1996 में फिर वापस दोबारा आके भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बना। उसके बाद मैं बूथ प्रधान रहा, ग्राम केंद्र प्रधान रहा, उसके बाद मैं मंडल में सचिव रहा, उपाध्यक्ष के पद पर रहा और 2002 में मैंने फिर बीडीसी का चुनाव लड़ा और उसमें भी मुझे लोगों ने बहुत सी रंकों पे बिठाया और 1365 वोटों की लीड दी, जो कि पूरे हिमाचल में, मैं पूरे हिमाचल में टॉप पे था बीडीसी मेंबर का जब मेरा चुनाव हुआ। उसके बाद मैं पार्टी में भिन्न भिन्न पदों पर रहा, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा, 2 बार जिले का कैशियर रहा और जिले का जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रदेश कार्य समिति में रहा और वर्तमान में मैं औद्योगिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ हम ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करेंगे ताकि वो हथकरघा में छोटे छोटे काम हैं या मशरूम के प्रोजेक्ट हैं, महिलाओं के छोटे छोटे सामूहिक ग्रुप बनाएंगे जिससे उनके आय के साधन बढ़ सकें। वार्ड नंबर 11 जो है ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई भी काम कभी सुचारू रूप से हुआ है। अगर मैं यहाँ से पार्षद चुनकर आता हूँ तो यहाँ की जो व्यवस्था है हर एक चीज को विधिवत, उसको जैसे नालियां हैं उनमें पानी भरा रहता है, लोगों को बहुत असुविधा होती है, तो लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। हमारे पार्षद अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाते हैं क्योंकि कमेटी में आजकल काफी सारा दाना आ रहा है, लेकिन सिर्फ अपने भाई भतीजावाद, ये छोटी छोटी चीजें चलती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हर एक को जो है वो निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करनी है, एक राजनीति में आए हैं तो मेरा जो मानदेय है वो भी मैं गरीबों के बीच में वितरित करूंगा। मैं एक पैसा भी जो है कमेटी से या वहां से जो मानदेय मिलता है वो जो भी मेरे वार्ड के गरीब होंगे मैं उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा, जैसे कोई विधवा है या कोई बच्चा पढ़ने वाला है या कोई अंगहीन है या इसके अलावा जो बिल्कुल ही लोअर स्तर पे कोई फैमिली है जिनके पास घर नहीं है और उनके बच्चों को पढ़ने में कोई, तो मैं अपने अपनी तरफ से भी उनकी जितनी भी मदद हो सकेगी उस परिवार को मैं ऊंचाइयों तक ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, इसमें काफी सारी भूमि खाली पड़ी हुई है और उसमें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के इसको इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे सीवरेज है तो वो रात के समय लोग फ्लैश आउट कर देते हैं, नालियों में बदबू ही बदबू रहती है, तो हम सीवरेज को सर्वप्रथम सबसे पहले लेंगे और जो मुझे जो मानदेय मिलेगा 5 साल के अंदर वो मैं गरीब विधवा और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए लगाऊंगा। जो भी सबसे नीचे के स्तर पे उनके स्तर को ऊपर उठाने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे अपनी जेब से भी अगर उनके उत्थान के लिए कोई काम करना पड़ा तो मैं उनकी शिक्षा के लिए, गरीब परिवारों के उत्थान के लिए पूरा प्रयास करूंगा। मेरा यहाँ वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो लोगों का है, जो सीनियर सिटीजन हैं या जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्होंने सबने मुझे कहा कि आप वार्ड नंबर 11 के उत्थान के लिए यहाँ से चुनाव लड़ो, क्योंकि यहाँ पर वार्ड का दर्जा तो दे दिया गया है लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधा कोई भी नहीं है। आज तक यहाँ पर ना कभी स्वीपर आता है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है, सीवरेज की नालियां टूटी फूटी पड़ी हैं, ना है यहाँ पर कोई रेन शेल्टर है। बाकी पॉलिटेक्निकल कॉलेज यहाँ पर है तो इसकी बहुत सी भूमि खाली पड़ी है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर मैं जीत कर आता हूँ तो मैं डे वन से ही इस कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए काम शुरू करूंगा ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ सके, लोगों के घर जो है वो किराए पर जाएंगे तो भी उनको बेनिफिट होगा, राशन वाले का राशन बिकेगा, चाय वाले की चाय बिकेगी और वार्ड नंबर 11 जो है वो नई बुलंदियों की तरफ जाएगा। मेरी वार्ड नंबर 11 के लोगों से अपील रहेगी कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो कुर्सी है, वो एक नंबर पे है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नंबर पे ही रखें और मेरी पूरी मदद करें। मैं वार्ड में कोई कमी नहीं रहने दूंगा, किसी भी क्षेत्र में जहां भी लड़ाई है मुझे लड़ना पड़ेगी मैं लड़ूंगा और कमेटी के ऑफिस के चक्कर लगाने से पूर्णतया महसूस नहीं होगा कि हमें छोटे से काम के लिए कमेटी के ऑफिस में
चक्कर काटने पड़ेंगे कि घर द्वार पे पूरी सुविधा दूंगा जो भी है, कि मेरे वार्ड नंबर 11 के सभी बहन भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बच्चों से सबसे प्रार्थना है कि मेरा सहयोग करें, साथ दें, ताकि वार्ड नंबर 11 और ऊंचाइयों के ऊपर जाए।